कैफियत क्या है और किस चीज से कैसे इंसान के ऊपर तारी होती है। आपने वो सुना होगा इकबाल बानू का एक गाया हुआ कि हम देखेंगे, वो एक मखसूस आप अगर उस नज़्म को वहाँ सुने उसकी रिकॉर्डिंग को कि जहाँ वो एक हाल में गा रही है और आगे लोग तालियां बजा रहे हैं, तो वो सुनते हुए आदमी को एक और तरह की जो है ना जिस पर कैफियत तारी हो जाती है, एक इतिजाज का आदमी अपने अंदर लहू में रिश्ता हुआ जो है ना जो अपने अंदर में महसूस करता है। यानी कि जो भी चीज़ जब भी कहीं वो अपने अल्फाज और अपने म्यूज़िक के साथ और उस आवाज़ के साथ मिलकर ऐसे हम आहंग हो जाए कि वो एक हो जाए, तो वो फिर वो चाहे गाना हो, वो चाहे कवाली हो, वो कुछ भी हो, वो आप पर जिस जो उसका मफहूम है वो आप पर असरअंदाज ज़रूर करेगा।